तो अगली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात कर रहे हैं ये है मोलालिटी, ठीक है। तो देखिए मोलालिटी का जो साइन है वो स्मॉल एम है और मोलारिटी का साइन कैपिटल एम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मेजर डिफरेंस मोलालिटी और मोलारिटी में ये है कि मोलालिटी में हम वॉल्यूम का यूज़ नहीं करते हैं, और अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो इट इज़ नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। जबकि इसके उल्टे अगर मैं मोलारिटी की बात करता हूँ तो वहाँ पे मोल अपॉन वॉल्यूम आता है, और चूंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो इसलिए मोलारिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है मोलारिटी। तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ने से पहले ये देख लें कि ये जो टर्म है हमारे पास मोलालिटी, चूंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आता तो ये टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो बदलेगा तो ये चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मोलारिटी की, तो मोलारिटी में चूंकि वॉल्यूम आता है इसलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डेफिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मोलारिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको कंपेयर करूँ मैं मोलारिटी की डेफिनेशन से तो वहाँ आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन यहाँ आता है सोल्यूट और सॉल्वेंट। यानी कि अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ इसका, तो मोलालिटी का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो वही सेम चीज आएगी लेकिन नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ध्यान रहे कि यहाँ क्या चीज आएगी, सॉल्वेंट का वेट आएगा लेकिन होना चाहिए किसमें, केजी में। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं लूँ कि 10 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व, 10 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। अब आप जो है इस यूरिया को जो कि सॉलिड होता है, तो यूरिया एक्चुअली सॉलिड है और वाटर जो है ये लिक्विड है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि सॉलिड और लिक्विड यूरिया को जब हम डिजोल्व कर देंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। अब इस फाइनल स्टेट को देखकर मैं डिसाइड करूंगा कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो रूल ये है कि अगर सॉलिड और लिक्विड मिला के लिक्विड बना रहे हैं तो जो कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में है वही कंपोनेंट क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो सबसे पहला काम हमने ये कर लिया कि दो अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर दी, सॉल्यूट, और दूसरी चीज मैंने डिफाइन कर दी सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है, यूरिया, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अब मुझे यूरिया दिया है 10 ग्राम और वाटर दिया है 100 ग्राम, हमें करना क्या है, इस 10 ग्राम के मोल निकालने हैं। मोल 10 अपॉन यूरिया का मोलर मास 60, मोल आगे 1/6, और हमें इस सॉल्वेंट का मास केजी में निकालना है तो ये आ जाएगा 0.1 केजी। फार्मूला हमारे पास क्या है मोलालिटी का, कि मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वेट सॉल्वेंट इन केजी, मोल है 1/6 और ये है 0.1, ये चीज़ आ जाएगी 10/6, और 10/6 जो आया है इसके साथ साइन स्मॉल एम लगा दें तो स्मॉल एम हमें क्या बताता है, कि स्मॉल एम बताता है कि ये टर्म किसका है, मोलालिटी का। अगर कैपिटल एम लगा दूंगा किसी नंबर के साथ तो वो किसको सिग्निफाई करेगा, मोलारिटी को। तो मोलारिटी और मोलालिटी में ये फ़र्क है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोलालिटी में मोल अपॉन वेट और मोलालिटी में मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये इसका जो है रिप्रेजेंटेशन सिंपल। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन, ठीक है। इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं लूँ कि 10% वेट बाई वेट एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। अब ये देख के मुझसे पूछा कि कैलकुलेट मोलालिटी, ठीक, चलिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि 10% वेट बाई वेट, डब्लू बाई डब्लू का मतलब है वेट बाई वेट, और ये भी एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन को बताने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो अब हम ये समझे कि 10% का मतलब
टेन आउट ऑफ हंड्रेड हो गया। परसेंटेज हमेशा किसमें से बताई जाती है, हंड्रेड में से। ऊपर वाली टर्म किसको डिनोट करती है, 10 ग्राम नीचे भी 10 ग्राम वेट बाई वेट है, ये ऊपर वाली चीज़ बताती है सोल्यूट को और नीचे वाली चीज़ बताती है सॉल्यूशन को। यानी कि मैं ये समझ सकता हूँ कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 10 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का। अब यदि मुझे मोलालिटी निकालनी है तो मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन दो चीज़ों का सम होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमें ये पता लग गया कि दोनों का सम है 100 और सॉल्यूट है इसमें 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट निकाल सकते हम, ठीक। तो हमारे पास सॉल्वेंट जो कि एक्वस लिखे होने की वजह से वाटर होगा, ये आएगा 90 ग्राम। लेकिन अब हमें ग्राम में नहीं निकला, हमें किस में लिखना है, केजी में, 0.090 ये आ जाएगा केजी, ठीक है ना। 90/1000 करेंगे अपन तो 0.09 केजी आ गया। अब मैं आ जाऊँ सीधा कि मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोल अपॉन वेट ऑफ, अब मोल किसके है, सोल्यूट के यानी यूरिया, वेट किसका, वाटर का, किस में, केजी में। यूरिया के मोल अभी हमने निकाले, अभी हमने यहाँ पर 10 ग्राम यूरिया कंसिडर किया है, तो 10 ग्राम यूरिया का मतलब मोल इसके 10 अपॉन मोलर मास 60, तो ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपन इस पर, ये आ गया मोल यूरिया का 1/6 और नीचे 0.09 केजी। और ये जो आंसर आएगा इसके साथ यूनिट हम स्मॉल एम रख देंगे, स्मॉल एम इसको मैं हम ये से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, मोलल। तो अगर मान लो कहीं पे लिख दिया है 2M, तो इसका मतलब 2 मोलर, और मोलर का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम। और अगर उसने कहीं लिख दिया कि 2m, तो इसका मतलब 2 मोलल, और 2 मोलल का मतलब मोलालिटी, और मोलालिटी का फार्मूला मोल्स अपॉन वेट सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और मोलालिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, उसमें वॉल्यूम टर्म आती है इसलिए,